हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है, तो फिर समझना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और फिर हम लोगों को करना क्या है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला गया है, इन द गिवन फिगर बिलो AD upon AE equal to AC upon BD and angle 1 is equal to angle 2, then show that triangle BAE is similar triangle CAD। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि भाई जो AD लाइन सेगमेंट है इसका और AE लाइन सेगमेंट इसका, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके साथ? इन दो लाइन सेगमेंट्स, कौन सा? पहला तो AC और दूसरा BD। मतलब AD upon AE इज इक्वल टू वॉट? AC upon BD। और साथ में बोला गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तब हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल BAE, देखिए ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, दैट इज सिमिलर विद वॉट ट्राइंगल? ट्राइंगल CAD। इसका मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग, क्योंकि हम लोगों को एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं। जरा देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। तो ये पार्ट है भाई ट्राइंगल BAD का। तो कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं? देखिए ये वाला ट्राइंगल BAD। और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस ट्राइंगल के जो दो एंगल्स हैं, कौन सा? एंगल 1 और एंगल 2। ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे इक्वल हैं? दे रखा है क्वेश्चन में। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल में जब उस ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। मतलब इस ट्राइंगल में एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है? BD। और एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है? AB। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले यही चीज़ मेंशन करते हैं। तो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? इन ट्राइंगल BAD। क्या पता है हम लोगों को कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। और 1 के अपोजिट साइड क्या है? BD। सो दिस इंप्लाई कि BD इज इक्वल टू वॉट? AB। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन की गिवन कंडीशन पर। तो हम लोगों को क्या दिया है? सो गिवन दैट क्या दिया है हम लोगों को? दिया है कि AD अपॉन AE इज इक्वल टू व्हाट? AC अपॉन BD। तो ये है गिवन कंडीशन, दे रखा है क्वेश्चन में ऐसा हम लोगों को। अब हम लोग चाहें तो इस BD की जगह पे क्या रख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AB रखा जा सकता है, तो चलिए रख दीजिए। सो दिस इंप्लाइज के AD अपॉन AE कैन बी रिटर्न एज AC अपॉन BD। की जगह पे क्या रख रहा है? AB रख रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर 2 मान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कहाँ से रखा हम लोगों ने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं, देखिए कौन से दो ट्राइंगल्स हम लोगों को सिमिलर करने? ट्राइंगल BAE और ट्राइंगल CAD। तो कौन से दो ट्राइंगल से जरा आइडेंटिफाई करें। देखिए पहला ट्राइंगल तो ये है जो कि हम लोगों ने रेड कलर से अभी शो किया है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है किस ट्राइंगल के साथ में? इस बड़े ट्राइंगल के साथ में, जिसको कि हम लोग ब्लैक कलर से शो करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है, ऐसा हम लोगों को शो करना है। तो चलिए इन दो ट्राइंगल्स में बात करते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल विच वन? BAE। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? CAD। और जब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चले हैं तो देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं कि भाई AD अपॉन AE इज इक्वल टू वॉट? AC अपॉन AB, ठीक है। तो हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जरा स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। हम लोग कह रहे हैं कि इस बड़े ट्राइंगल की जो AD साइड है और जो छोटे ट्राइंगल की AC साइड है, इसका रेशियो कैसा है? इस बड़े ट्राइंगल की AC साइड और इस छोटे ट्राइंगल की AB साइड के रेशियो के इक्वल है। मतलब इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दो साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है। और साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल 1 बन रहा है वो छोटे ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस बड़े ट्राइंगल का भी पार्ट है, मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब दो साइड्स तो दोनों ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनल है और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है। तो भाई ऐसे ऐसे बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मेंशन कर देते हैं। एंड एंगल 1 ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 1 ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर कौन कौन से? ट्राइंगल BAE इज सिमिलर ट्राइंगल विच वन? CAD। कौन से क्राइटेरियन से?
SAS सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया कि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए चले जाइए प्लेलिस्ट में। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।